हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3। पीछे हमने 6.3 का एक लेक्चर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक आज चलना है 8 से। तो पीछे का लेक्चर अगर नहीं देख के आओ तो वहाँ से देख के आ जाओ, ताकि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, आधे घंटे तक कॉन्सेप्ट ही बताए गए हैं। तो वहाँ से अगर देख के आओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन सब कुछ है ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट की बात है। अगर नहीं समझोगे तो जन्म बरट के लगाओगे, अगर समझ लिया तो फिर आँख मूंद के लगाओगे। आँख मूंद के सवाल लगता नहीं, हमको ही पता है, बट एक तरह की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं बातों पर। लिखा है वक्र वाई बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात करो। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे कहेगा वैसे फिगर बना लेंगे। मैं मानता हूँ कि ये वक्र ऐसे नहीं जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन मान सकते हो ना थोड़ी देर के लिए कि वक्र यही है, वाई बराबर एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर। कह रहा है इस पर एक बिंदु ज्ञात करो, एक बिंदु ज्ञात करो कि किसी वक्र पर एक बिंदु के द्वारा केवल एक ही स्पर्शरेखा खींची जाती है। मान लो यही है, इस पर एक स्पर्शरेखा बना दिया, एक इसी बिंदु पर टच करती है ना, ऐसे बना दिया, लो बना दिया ना, ये आपका स्पर्श रेखा, और हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट। और कह रहा है जिस पर स्पर्श रेखा जो है बिंदुओं 2,0, मान लो ऐसे बना दिया, ये 2,0 है, एक्स पर 2, वाई पे 0, एक 4,4, ऐसे दो बिंदुओं से होने वाली जो लाइन है उसके समांतर है। तो फिगर तो बना ही लोगे आराम से कि जो ये स्पर्श रेखा है इसके समांतर है। अच्छा, स्पर्श रेखा अगर लाइन के समांतर है तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी पीछे पढ़ के आए हो, अभी हो, दो रेखाएं समांतर तभी हो सकती हैं जब दोनों की ढाल बराबर हो, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, चूंकि आपका ना, चूंकि टेंजेंट पैरेलल किसके है, लाइन के है, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। कह सकते हो नहीं कि दोनों की ढाल बराबर होगी। स्लोप का टेंजेंट क्या होगा, स्लोप यहाँ से इसका टेंजेंट निकलेगा इस कर्व से, क्योंकि वाई बराबर क्या दिया है, एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2x-2, ये हो जाएगा 2x-2 इसका टेंजेंट। और लाइन का स्लोप क्या होगा यार, तो यम बराबर आपने पढ़ा है y2-y1 बटे x2-x1, जो यानी कि जो थीटा दोनों के होंगे बराबर तो होंगे ना, वाई ए मान लो एक्स वन है, ए मान लो वाई वन है, ए मान लो एक्स टू है, ए मान लो वाई टू है, तो 4-0 4 और 4-2 2, यानी कि एम का मान 2, यानी कि लाइन का स्लोप 2 आएगा। लो यहाँ पे 2 रख लो, अब हो जाएगा 2x-4 = 2, 2x = 6, एक्स का मान 3 आ गए भाई, यानी कि यहाँ पे एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान आ गया 3। इसी की सहायता से आया है, इसी की सहायता लिए हम लोग ना, यहाँ पे एक्स का मान 3, यहाँ पे वाई का मान बताओ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी कुछ है वो 3 है। अब वाई का मान निकालो, चूंकि यही कह रहे हो अपने बैठ रहे हैं, तो इसी पे एक्स का मान रख दो, तो वाई बराबर 3-2² 1, यानी कि एक्स बराबर 3 और वाई का मान कितना आएगा 1। इसी से यह क्या होता है, यह वाला जो इसी पॉइंट पे यह वाला टेंजेंट आपका जाता है, यह वाला स्पर्शरेखा आपका जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हो, 11 में ही करे होगे, बस dy/dx आ गया और कुछ है नहीं। अच्छा, चेक करना चाहते हो तो जान लो इसी वक्र पे पॉइंट है, इसी लाइन पे भी वही पॉइंट है, यानी कि दोनों के लिए पॉइंट कॉमन है, तो 3, x = 3, y = 1 यहाँ पे रख के देखो क्या बराबर आ रहा है, क्या y = 1, x = 1 = 1, यानी कि पॉइंट है यही, ठीक है ना, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को भी, इस वक्र को भी। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है समाप्त। पॉइंट हमको निकालना था, हमने निकाल लिया, हो गया। तो इसमें कोई हमने जानता कि बहुत बड़ा महारत हासिल करना है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन लिखा है 9 में, वक्र वाई बराबर x³-11x+5 पर उस बिंदु को ज्ञात करो। मान लो ये वक्र वही है, मान लेते हैं, नॉर्मली तो मान ही सकते हैं नहीं, कि मान लो y = x³-11x+5 है, पर उस बिंदु को ज्ञात करो, उस बिंदु को ज्ञात करो जिस पर स्पर्श रेखा वाई बराबर स्पर्श रेखा का समीकरण में दे दिया है, y = x-11। अभी बिंदु ज्ञात करना है, छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा बताओ, अगर एक समीकरण है एक रेखा का,
अगर ये रेखा का समीकरण है, ये टेंजेंट है हालांकि, टेंजेंट है, इसकी ढाल क्या होगी? आपने पढ़ा है वाई बराबर एम एक्स प्लस टी, और ये दिया वाई बराबर एक्स माइनस ग्यारह, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ये सब पढ़े हो अभी पीछे लेक्चर में, मैंने बताया भी है। ये मान लो सी अंत खंड काट रहा है वाई अक्ष पर, तो ये हो जाएगा एम बराबर एक, यानी कि टेंजेंट का स्लोप मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको उसके समीकरण से मिल गया, वन आया है, ठीक है ना, क्योंकि हमको पॉइंट को ज्ञात करना है। और इस वाले कर्व की सहायता से हम देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आता है, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय द हेल्प ऑफ कर्व। कैसे निकालोगे इसका टेंजेंट, बराबर आना चाहिए, ला के बराबर कर देंगे अभी, तो ये हो जाएगा वाई बराबर, चूंकि क्या दिया है यक्स क्यू माइनस इलेवन एक्स प्लस फाइव, तो दोनों पक्षों का यक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तीन एक्स का स्क्वायर माइनस का ग्यारह, ठीक है ना। अब चूंकि एक ही लाइन के स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप यह अभी है, टेंजेंट का स्लोप यह अभी है, और स्लोप के नाते इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं नहीं कि अभी डी वाई अपान डी एक्स ही है, दोनों स्लोप आपस में बराबर होने चाहिए, तो हम कहेंगे मतलब कि फ्रॉम एबव इन्फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है ना, ये सब कहानी आपके ऊपर है, मैथमेटिक्स है, कोई हिंदी थोड़ी रटा रहे हैं तुमको, ये सब कहानी आप जानते हो। एक बराबर हो जाएगा तीन एक्स का स्क्वायर माइनस ग्यारह, ये बेटा हो जाएगा आपका तीन एक्स का स्क्वायर बराबर ग्यारह धन एक बारह, एक्स स्क्वायर बराबर चार, आप पाओगे एक्स बराबर प्लस माइनस दो, नहीं मतलब कि दो लोग मिल गए हमको, एक मिला x बराबर दो प्लस का और एक मिला x बराबर दो माइनस का। अब एक का बिंदु ज्ञात करने के लिए कर रहे लगता है दो बिंदु देगा, जब x बराबर दो यहाँ पे रखोगे तो y बराबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ से कर्व में दो रखने पर तभी सेटिस्फाई करा पाओगे इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा x का मान दो रखोगे तो दो चार दो नहीं आठ माइनस बाईस प्लस पाँच, वाई बराबर आएगा माइनस का नौ, यानी कि दो कामा माइनस नौ मिला एक ठो, जब एक्स का मान माइनस दो लोगे तो वाई बराबर माइनस आठ प्लस बाईस प्लस पाँच सत्ताईस उन्नीस, ये हो जाएगा माइनस दो कामा उन्नीस, ये देखो जरा अभी तक हमसे कह रहे थे क्वेश्चन हम एक का पॉइंट निकालो तो दो पॉइंट मिल रहा है, नहीं तो कुछ गड़बड़ झाला हुआ है, तो ये देखो जरा अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो दो लोग मिले ए पॉइंट, या तो हो सकता है दो कामा माइनस नौ, या तो हो सकता है माइनस दो कामा उन्नीस, दोनों को सेटिस्फाई इनको करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए, नहीं इनको बस चेक कर लो बाकी तो काम हो ही जाएगा, आप दोनों को चेक कर सकते हो आपकी मर्जी, इनको भी इसमें रखो देखो क्या हो रहा है, क्या बराबर दोनों आ जा रहे हैं कि नहीं आ जा रहे हैं, इनको भी रखो पता चल जाए कौन सही है, चलो रखते हैं बारी बारी से, पहले इनको पकड़ते हैं, दो हो जाएगा दो बराबर यक्ष का मान यहाँ पे दो है वाई का माइनस नौ, माइनस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यक्ष का मान दो है वाई का माइनस नौ है, तो वाई का मान माइनस नौ यक्ष का मान हो जाएगा प्लस दो माइनस ग्यारह, देखो माइनस नौ बराबर माइनस सेटिस्फाई कर रहा है, इनको रख के देख लो जरा, तो इनको भी रख के देख लो, ये वाला यहाँ भी रख लो सेटिस्फाई करेगा, रख के देख लो, देखो वाई का मान कितना है माइनस नौ, चूँकि वहीं से होकर के आया ही है तो करेगा का नहीं, दो दूनी चार दूनी आठ माइनस ग्यारह दूनी बाईस ये भी आएगा नहीं, इनको रख के देखो जरा, माइन एक्स का मान माइनस दो वाई का मान उन्नीस, वाई का मान रखोगे उन्नीस एक्स का मान माइनस दो माइनस ग्यारह, हाई देखो ये तो बराबर अबे नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये वाला गलत है, ये वाला क्या है सही, ये वाला पॉइंट सही है, ऐसे जब एक ही पॉइंट कहेगा तो चेक करना पड़ेगा ना, दो दो लोग आएंगे तो चेक करके देखना पड़ेगा कौन सा गलत है कौन सही है, जो सेटिस्फाई करेगा वो सही है, तो क्वेश्चन तो कठिन है नहीं, बस हमारे माइंड काम करने चाहिए अच्छे तरीके से, और आपके माइंड काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं मुझे पता है माइंड आपको काम कर रहा नहीं कर रहा है, तो लेक्चर तो पीछे का देखना पड़ेगा, नहीं तो क्लास इलेवंथ का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा सरल रेखा का, ठीक है ना, तो इसको मिटा के हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पर, कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टेन, टेन इलेवन ट्वेल्व एक जैसे हैं, अभी आगे मिलेगा, प्रवणता
माइनस वन, यानी कि m का मान दे दिया माइनस वन, वाली सभी रेखाओं का समीकरण याद करो जो वक्र y बराबर इतना को स्पर्श करते हैं। ए नॉट इज इक्वल टू वन का मतलब कि नीचे अगर वन आ जाता तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन का केस आ जाएगा, इसीलिए वहाँ पे लिखते हैं वो जो भी लिखते हैं कि x बराबर एक के नहीं होगा। तो सबसे पहली बार समीकरण याद करने के लिए दिए हैं, प्रवणता दिए हैं, तो हमको समीकरण और प्रवणता के लिए एक संबंध याद होगा वाई माइनस वाई वन बराबर यम एक्स माइनस एक्स वन। अब आपको लग रहा होगा कि सर यम तो पता है लेकिन हमको एक्स वन वाई वन नहीं पता, यानी कि दो पॉइंट हमको पता करने हैं, ठीक है ना। और टू पॉइंट पता कैसे करने हैं, आखिर मान लो आप कि वक्र वाई बराबर यही है, वाई बराबर एक बटे एक्स माइनस वन, तो इसका एक टेंजेंट होगा, एक क्या कई टेंजेंट होंगे, कई सारे पॉइंट्स ऐसी रेखाएं बन सकती हैं, नहीं एक पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट होता है, और टेंजेंट उसी को मान ए मतलब कि झुकाव ही चलता है जो एक्स के पार्श्व से लिया गया होता है। तो हमको पॉइंट चाहिए, ए वाला बोल रहे हैं कि पॉइंट अगर ये वाला हमको पता रहेगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं समीकरण, एक्स वन वाई वन चाहिए, ये एक्स वन वाई वन का मान जब तक निकालोगे नहीं तब तक फंस जाओगे। चलो एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि चूंकि y बराबर क्या दिया है एक बटे एक्स माइनस वन, ठीक है ना, तो हम इसका निकालेंगे स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, स्लोप निकाल के उसका स्लोप रखेंगे। प्रवर्ता माइनस वन वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रवर्ता माइनस एन माइनस वन वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र इतना को स्पर्श करती, इस वक्र को स्पर्श करती हैं, कई रेखाएं हो सकती हैं, मैंने बोला ना, बोल रहा है कि सभी रेखाओं का बताओ, प्रवर्ता माइनस वन वाली, और सबकी प्रवर्ताएं माइनस वन हैं, सबकी प्रवर्ताएं क्या है, बोल रहे हैं कि माइनस वन है, ठीक है, यानी कि समांतर रेखाएं होंगी और क्या। तो यहाँ पे आप स्लोप निकाल सकते हो, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वन अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, तो आकलन करने आता है तो कर लो आपकी मर्जी, हर इंटू वन से कर लो। और डी वाई अपान डी एक्स का मान चूंकि हम बोलेंगे कि जो भी स्पर्श रेखा गई है, चूंकि जो भी स्पर्श रेखा स्पर्श करती है वक्र को तो स्पर्श रेखा ही कहेंगे उसको ना, जो भी स्पर्श रेखा गई है उसका आपको स्लोप दे दिया है, स्लोप माइनस वन दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका स्लोप माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इकट्ठे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर वन, उधर जाएगा तो एक्स माइनस वन बराबर प्लस माइनस वन, वन का अगर रूट लगेगा इधर जाएगा ना तो प्लस माइनस वन बाहर निकलेगा, तो एक बार आप कहोगे प्लस वन लेने पर, अगर प्लस वन लेते हो तो एक्स माइनस वन बराबर प्लस वन, एक्स बराबर आ जाएगा दो आएगा ना, और अगर माइनस वन लेते हो तो हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स बराबर हो जाएगा जीरो। दो बिंदु मिल गए ना आपको, एक एक्स बराबर दो मिला है और एक्स एक्स बराबर जीरो मिला है बस। अब वाई भी निकालना पड़ेगा ना, अब वाई निकालने के लिए हम बोलेंगे जब एक्स बराबर दो तब वाई बराबर यहीं से मिलेगा एक हो जाएगा नहीं, यानी कि एक्स कामा वाई बराबर दो कामा एक हमको मिला एक पॉइंट, यही वास्तव में एक्स वन वाई वन जो कि हमने एक्स वाई के रूप में निकाला है, एक पॉइंट तो यही मिल गया, दो कामा एक मिल गया बता रहे हैं। और जब एक्स बराबर आप बेटा जीरो लोगे तब वाई बराबर कितना आएगा माइनस एक आएगा, यानी कि एक्स कामा वाई बराबर जीरो कामा माइनस एक, ठीक है ना। तो हो गया बस, ये दो पॉइंट हमको मिल गए हैं, इन्हीं से हमारा बनेगा समीकरण। अब देखो, अब हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इतना से होकर जाता हो जिसकी प्रवणता माइनस एक है, उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इतना से होकर के जाता हो और जिसका प्रवणता माइनस एक है। अब दोनों को निकालेंगे बड़े आराम से, यहां तक कर इसको मिटाएं तब आगे लिखें, इसको मिटा देना ही क्या फायदा। अब समीकरण निकालते हैं आराम से, समीकरण आपको निकालने तो आता ही है, हमने पढ़ा यही पढ़ा है, तो ये हो जाएगा चूंकि
वाई माइनस वाई वन बराबर ये होता है प्रवणता, तो हमको पता ही है यम एक्स माइनस एक्स वन। तो एक बार देखो इसी को, एक बार हम मानेंगे एक्स वन वाई वन, ये वाई वन का मान है कितना आपका एक, तो माइनस हो जाएगा। यम का मान तो दिया है सबके लिए वही है, और एक्स का मान एक्स है, एक्स वन का मान कितना है बच्चों यहाँ पे दो है, ये हो जाएगा वाई माइनस वन बराबर माइनस एक्स प्लस दो, यानी कि ये हो जाएगा वाई, इधर आएगा प्लस एक्स और इधर आएगा माइनस तीन बराबर जीरो। एक समीकरण तो यही हो गया, ये हो गया किस वाले पॉइंट पर, ये हो गया पॉइंट दो कामा एक के लिए, ठीक है ना। पर अभी हमको निकालना है एट पॉइंट जीरो का माइनस वन, तो ये एक्स वन वाई वन का काम करेगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा वाई प्लस एक बराबर माइनस एक्स, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक बराबर जीरो। दो रेखाएं मतलब बन रही हैं, दोनों समांतर ही हैं, देख लो एक्स प्लस वाई है अभी, एक्स प्लस वाई है अभी, है दोनों समांतर ही हैं, वो तो सी का मान है। तो अब हम क्या करेंगे कि हो गया, मैंने बोला ना देखो प्रवर्तन सबकी समान है, अगर मान लो तीन बिंदु निकलती, तीन रेखाएं निकलती, तो अभी समांतर ही होता उसका प्रवर्तन, क्योंकि सबकी प्रवर्तन माइनस एक दे दी गई है आपको। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, किसी भी लैंग्वेज में प्रश्न करो, मैंने ये बोला कि मेरे लैंग्वेज में करो, मैंने केवल आपको समझाने का काम करता हूँ, ठीक है ना। ये आप लैंग्वेज आप अपना लिखो, मेरे में मत जकड़ो कि मेरा ही देख के लिखो, जैसे आता बस समझ में आपको आना चाहिए, और इस तरह लगाओ कि अगले को समझा पाओ, बस इतना होना चाहिए। इसको मिटा के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेम 10 की जैसे है, आपके सामने मैंने लिख दिया है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, दम ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। चलो फिर वही काम करना, मैं कुछ बनाऊंगा नहीं क्योंकि आपने 10 देख के आया हो, 10 में ये जैसे ही है। तो बोलोगे डी वाई अपान डी एक्स, स्लोप निकाल लो इनका, ये हो जाएगा माइनस एक बटे एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा क्योंकि प्रवणता यम बराबर क्या दिया है, दो दिया है, तो दो बराबर माइनस एक बटे एक्स माइनस तीन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस नौ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा जा रहा है, माइनस छः एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये जगह दो एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस अट्ठारह माइनस बारह एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा दो एक्स का स्क्वायर माइनस बारह एक्स, इधर प्लस हो जाएगा प्लस का उन्नीस बराबर जीरो। इसका आपको कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा, मुझे पता है इसका आपको कोई गुणनखंड ही नहीं मिलेगा, और आपको जाना पड़ेगा ऐसे कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए, माइनस बी का मतलब माइनस और प्लस का बारह हो जाएगा, प्लस माइनस बी का मतलब एक सौ चौवालीस माइनस फोर का मतलब फोर, आप जानते हो ना इसे ए कहते हो इसे बी कहते हो इसे चिन्ह सहित कहते हो, और ए का मान कितना है दो, ए हो जाएगा उन्नीस, ए हो जाएगा दो गुणे ए का मान दो, बारह प्लस माइनस रूट में ए हो जाएगा एक्स का मान निकाल रहे हो आप, समझ लेना इस बात को, एक सौ चौवालीस माइनस दो फोर ए सी तो चार दो नहीं आठ, उन्नीस बटे एक सौ बावन बटे चार। अभी देख सकते हो एक्स बराबर प्लस माइनस माइनस का एक सौ चौवालीस से आठ माइनस का आठ आएगा, ये तो बाहर निकलने वाला ही नहीं, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, नहीं इमेजिनरी नंबर आ रहा है, इमेजिनरी इमेजिनरी के लिए अभी आप क्या निकालो, एक्स इमेजिनरी आया, अभी मतलब कि इन सब के लिए इमेजिनरी पे काम नहीं कर पाएंगे, सीधी सीधी बात यहाँ पे बोल देना, चूंकि एक्स इज एन इमेजिनरी नंबर तो वाई भी इमेजिनरी मिलेगा आपको, एक्स यहाँ पे रखो वाई यहाँ पे रखोगे तो यह भी इमेजिनरी मिलेगा, और इमेजिनरी के लिए हम लोग स्लोप लोप के बारे में बात नहीं करते कभी भी। तो बोल देना कि एन इमेजिनरी नंबर, और बात करना चाहते हो अगर आपकी मर्जी है कि अगर आगे जाना चाहते हो हम मतलब कि आपका मन करता है खाली हो तो एक्स का मान यहाँ पे रखो वाई में तो वाई का मान मिलेगा, और अगर एक्स वाई का मान पाते हो तो उस वाले में जाके रखना पड़ेगा और पाओगे इक्वेशन, इमेजिनरी में इक्वेशन भी पाओगे, लेकिन अगर वो करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं बोलूँगा यहीं पर एक्स इज एन इमेजिनरी नंबर सो इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, या ऐसे भी लिख सकते हो कि सो द एवब इक्वेशन
इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी स्लोप, मतलब कि एनी टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टू, इसके लिए कुछ डिफाइन नहीं होने पाएगा, ठीक है ना। अपनी भाषा में कुछ भी लिख लो कि डिफाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि इसी की तरह उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन के 10 के जैसे ही है, 9 के जैसे, वो 12 होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, नहीं 10 के जैसे ही है। तो यम का मान दिया आपकी बार 0, और हमको क्या होता है ना, समीकरण बताना है ना। समीकरण कैसे मिलता है, वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। यम का मान 0 चूंकि वाई का मान कितना दिया है, 1/x²-2x+3, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हमको क्या ज्ञात करना है, x और y दो पॉइंट हम खोजना है बस, इसके लिए सब काम करना पड़ रहा है। ये हो जाएगा माइनस 1/x²-2x+3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2, फंक्शन ऑफ फंक्शन से इतना हो जाएगा। इसको आप कर सकते हो अलग अलग हर के वाले से, अंश बटे हर से। तो ये हो जाएगा आपका, इसका मान कितना दिया, 0 दे रखा है। तो चूंकि आप बोलना यम बराबर 0, और यम क्या होता है, वही तो स्लोप होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये 0 हो गया। ये हो जाएगा -1 2x-2 और बटे x²-2+3। अब यह पूरा का पूरा पोर्शन हो गया 0, यहाँ बचेगा 2x-2=0, x बराबर हो जाएगा आपका 1। x का मान 1 मिलेगा तो y का मान भी निकल जाएगा, इसलिए y बराबर यहाँ पे रखोगे 1/2 हो जाएगा 1-2+3, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 3 1/2 आ जाएगा। नहीं, x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया, यहाँ पे रखो समीकरण बनाना ना, y-y1 का मान 1/2, m का मान 0 और x का मान x ही है, x1 का मान यहाँ पे निकाल के रखे हो, समीकरण निकालना है ना आपको, ये पूरा 0, y बराबर 1/2 आपका आएगा आंसर। ये 0 गुणा करो 0 हो जाएगा, सेम 10 नंबर की तरह है। 10 में मैंने एक्सप्लेन करा, अगर आप 10 को गिव अप करके आओ तो उसको देख लो जाके, ठीक है ना। तो इसको भी हो गया, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। चलो एक और क्वेश्चन मिला बढ़िया सा, कह रहा है वक्र x²/9+y²/16=1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखाएं, ये पहला x अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर। दो कंडीशन है, एक दिया है कि मान लो वक्र ऐसे है, सपोज कर लेते हैं, मैंने बोला ना सपोज कर लो वक्र ऐसे है, x स्क्वायर समांतर बनाने के लिए मैंने बनाया है ताकि समांतर दिखे। इस पर एक पॉइंट है, देखो ए वाली स्पर्श रेखा यक्ष से समांतर है कि नहीं है, इस वाले अवस्था में आप पाते हो dy/dx=0 पाते हो, नहीं कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। और एक बार कह रहा है y से के समांतर है, और जब मान लो ये वक्र ऐसे बन रहा था, अब इसमें देखो इस पे a मान लो a हो जाएगा y से के समांतर, मतलब क्या m/tan θ, यहाँ से वाला एंगल अब 90 का हो जाएगा, यानी कि tan 90 का मतलब 1/0, यानी कि dy/dx= क्या आ जाएगा 1/0। तो x अक्ष के समांतर के लिए dy/dx=0 और y अक्ष के लंबवत के लिए ये y के समांतर है ना, या x के लंबवत है 1/0, कोई बात ही नहीं है। तो इसको पहले वक्र को सॉल्व करो, x²/9+y²/16=1 है ना, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब इस पर पहला वाला क्वेश्चन है कि ये स्लोप यही है, तो स्लोप का ढाल तो हमको पता है 0, लेकिन पहले डिवाई बार निकालना पड़ेगा ना दोनों पक्षों का, x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 1/9x²/2x+ ये हो जाएगा 1/16y²/2y और एक बार फंक्शन ऑफ फंक्शन से dy/dx=0, इसका अवकलन 0 हो जाएगा नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कि dy/dx=, ये उधर जाएगा -2x/9 और गुणा है भाग बन जाएगा 2y/16, 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा -16x/9y dy/dx का, ये तो निकल गया, यही दोनों के लिए काम करेगा। पहला वाला कंडीशन है समांतर वाला, और जब समांतर होगा तो इसका मान 0 होगा, यानी कि -16x बराबर
9y, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा जीरो, यानी कि x का मान आएगा जीरो, x का मान जीरो आएगा, तो यहाँ पे रख लो y का मान के लिए। इसलिए ये समीकरण से कर्व से हम जानते हैं जीरो बटे नौ प्लस वाई स्क्वायर बटे सोलह बराबर एक, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर सोलह, वाई बराबर प्लस माइनस चार। तो जब समांतर होगा तब पॉइंट क्या मिलेगा हमको, एक्स कामा वाई बराबर जीरो कामा प्लस माइनस चार, एक बार जीरो कामा प्लस चार, जीरो कामा माइनस चार, दोनों हो सकता है। ऊपर यानी कि ऊपर भी मिल सकता है और नीचे भी मिल सकता है, नहीं समांतर कंडीशन में नीचे भी तो मिल सकता है, और ये कितना है माइनस चार प्लस चार, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि y के समांतर बात कहो चाहे x के लंबवत कहो, तो dy अपन dx का मान 1 बाई जीरो इक्वल टू माइनस सोलह एक्स बटे 9y, तो 9y बराबर, अब की बार y बराबर जीरो आया है तो हम कहेंगे फिर, इसलिए कर्व से y का मान जीरो, तो x स्क्वायर बटे 9 ये जीरो हो जाएगा बराबर एक, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर नौ, एक्स बराबर प्लस माइनस तीन, यानी कि ये मिल जाएगा एक्स कामा वाई बराबर प्लस माइनस तीन कामा जीरो, यानी कि या तो इस पे आ जाओ या तो इधर आ जाओ, ये ऐसे नहीं, जो वक्र होगा या तो इधर जाएगा तो इधर जाएगा, समझ रहे हमारी बात को ना, तभी ना ये समांतर इसके होगा, ये वाला स्पर्श रेखा वा वाई के समांतर होगा। तो दोनों पॉइंट, ये हमारा आंसर एक ठो यहाँ बैठ गया, एक ठो यहाँ बैठ गया, ये सारे पॉइंट हमको मिल गए। कौन कौन सा मिला है, जीरो कामा प्लस चार, जीरो कामा माइनस चार, इसके लिए क्या मिला है, तीन कामा जीरो माइनस तीन कामा जीरो, ठीक है। क्वेश्चन हो गया ओवर, बस समझने का बस देर है, समझ लिया तो क्वेश्चन ओवर, समझना बस है टॉपिक को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि एक ही क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन है, पांच ब्रांच वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला दूसरा सेम एक जैसे है, तीसरा चौथा एक जैसे है, पांचवा पैरामीट्रिक वाला है, कुछ करना नहीं है यार। चलो पहला मैं करूँगा, दूसरा तुम करोगे, तय करते हैं इसको पहले। चलो बोल रहा है प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ाई नहीं सर वाले क्वेश्चन देते, दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा व अभिलंब के समीकरण ज्ञात करो। लो स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है, स्पर्श रेखा का अलग अभिलंब का अलग, मैं बगलिया में लिख दूं क्या, थोड़ा मोड़ा लिख देता हूं कि कोई भी समीकरण निकालना हो y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, अगर स्पर्श रेखा होगा मतलब कि अगर स्पर्श टेंजेंट होगा तो एम क्या हो जाएगा बच्चों डी वाई अपान डी एक्स, और यदि नॉर्मल होगा, यदि अभिलंब होगा तो आप समझ सकते हो कि क्या हो जाएगा माइनस एक बटे डी वाई अपान डी एक्स। पीछे वाले चरण सब बता के आया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा अभिलंब आपस में लंब होते हैं, तो इसकी प्रवणता बराबर माइनस गुणे इसकी प्रवणता बराबर माइनस एक होती है, तो इन अभिलंब की प्रवणता माइनस एक बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता यही होती है, ठीक है ना। तो समीकरण तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे देखो पहला वाला वाई बराबर यहीं पे सीधे डी वाई अपान डी एक्स कर लेते हैं ना, टाइम कहाँ है, टाइम तो बहुत है सर। ये देखो जरा, फोर एक्स का क्यूब माइनस छत्री का अठारह एक्स का स्क्वायर प्लस तेरह दूनी छब्बीस एक्स माइनस दस, इसका जीरो हो जाएगा। और ये किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं जीरो कामा पाँच पर। इतनी अजीब बात है, देखो एक्स और वाई दोनों का मान दिया है, अब पीछे क्यों क्वेश्चन आपने किया होगा, सोच रहे हो एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हो, तो जब हमको एक्स भर का कम है यहाँ पे तो वाई लिख क्या करोगे, तो एक्स का मान रख लो यह भी जीरो माइनस दस आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब वहाँ पे समीकरण लिख लो, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही एक्स वन है भाई साहब, ये वाई वन है, ठीक है ना, समीकरण बताएगा वही। ये तो ढाल तो निकली गया, ढाल तो एक ही पॉइंट से निकल जाता है, और वहां पे समीकरण बताएगा दो पॉइंट, वाई माइनस वाई वन का मान कितना है यहाँ से पांच, और ए एम का मतलब डी वाई पॉइंट का मान माइनस का टेन, और एक्स माइनस एक्स वन का मतलब एक्स वन का मान कितना दिया है जीरो, ये हो जाएगा वाई माइनस फाइव बराबर माइनस टेन एक्स,
यानी कि प्योर प्योर टेन एक्स इधर आ जाएगा प्लस वाई माइनस फाइव बराबर जीरो। एक तो पता चल गया, ए हो गया किसका, ए अक्षर रेखा का हो गया। अब विलंब के लिए चर्चा कर लें, फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो वही है वाई माइनस वाई वन यानी कि वाई माइनस फाइव बराबर, यही m का मान थोड़ा उल्टा चलेगा और क्या, माइनस एक बटे माइनस दस, एक बटे दस आएगा m का मान और m x माइनस ए जीरो ही आएगा। ये हो जाएगा दस वाई माइनस पचास बराबर x, ठीक है ना। तो हो जाएगा बढ़िया से लिखोगे तो x माइनस टेन वाई प्लस पचास बराबर जीरो, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बस m का मान और उल्टा पुल्टा करना है, बस हो गया इक्वेशन लग गया। और चलते हैं इसके सेकेंड नंबर आपके नाम करते हैं, मिटाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते हैं, ठीक है ना। ये तो सबके लिए वाजिब है, ये तो सबके लिए वाजिब है, सब वही लगेगा। तीसरा सवाल करते हैं इसका, y बराबर x का क्यूब dy बाई dx बराबर तीन एक्स का स्क्वायर, पॉइंट क्या दे रखे हैं इन्होंने, एक कामा एक, तो ये हो जाएगा बच्चों तीन आएगा, एक रखोगे तीन आएगा नहीं। अब क्या करना है, अब देखो ऐसा मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन का मान यही एक ही है, x1 का मान भी एक है, और m का मान मतलब इसके लिए स्पर्श रेखा के मतलब कि स्पर्श रेखा का जो टेंजेंट हो अरे जो स्लोप होता है वही होता है, यानी कि तीन रख दोगे x माइनस एक्स वन, ये जगह y माइनस वन ऐसे तीन एक्स माइनस वाई माइनस दो बराबर जीरो, सबको उधर ढकेल दिया, माइनस वाई प्लस वन माइनस वन, सही हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो वाई माइनस वाई वन, और नॉर्मल के लिए टेंजेंट कितना हो जाएगा माइनस एक बटे तीन नहीं, अरे नॉर्मल के लिए स्लोप माइनस एक बटे तीन हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, ये तीन वाई माइनस तीन माइनस एक्स प्लस एक, यानी कि एक्स इधर ढकेल दो, ये तीन वाई माइनस चार बराबर जीरो। इनको आगे पीछे आपको करने आता है ना, तो मुझसे कहाँ पूछ रहे हो भाई, करो आगे पीछे इसको मिटा के फिर चलते हैं चौथा नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, बेहद अजीब गरीब क्वेश्चन यार, आप फिर कहोगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू एक्स आएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो बाई अरे जीरो का मान जीरो पे निकालोगे तो जीरो आएगा, अब स्लोप ऑफ अरे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ही, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण, ये क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन जीरो और एस का मान भी जीरो, एक्स माइनस एक्स वन का मान भी जीरो, वाई बराबर जीरो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या पढ़ के आए हो बच्चा, क्या पढ़ के आए हो, तो कहोगे वाई माइनस जीरो, अभी मतलब कि अब देखो जरा ध्यान से देखना, माइनस एक बटा जीरो रखना पड़ेगा नहीं, एस का एम का मान ये हो जाएगा ये पूरा जीरो बराबर माइनस एक्स माइनस प्लस जीरो, यानी कि एक्स बराबर जीरो, दोनों मिल गए बस हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, इसको मिटाते हैं, बस हो गया टैयर निकालना था, फाइव वाला थोड़ा निकालना पड़ेगा आपको डिवाइड बाय डी एक्स, और कुछ करना नहीं है, डोंट परेशानिंग ओनली लगाएंगे द क्वेश्चन, मतलब साल्व क्वेश्चन थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी, चलो दिया है। अब हम करेंगे टी के सापेक्ष, जानते हो कि डिवाइड बाय डी एक्स निकालना पड़ेगा, सबको पता है निकालना पड़ता है डीवाई अपॉन डी एक्स, निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर इसका करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन तो डी वाई बाई डी टी कॉस टी, फिर हम कहेंगे समीकरण नंबर एक है दो है दो भागा एक से भाया क्या हो जाएगा, हो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और हो जाएगा कॉस बटे साइन माइन ओ कॉस बटे साइन माइनस कॉट टी हो जाएगा नहीं माइनस कॉट टी, तो डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं टी बराबर पाई बाई फोर पे, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा नहीं कॉट पाई बाई फोर हो जाएगा,
लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाई माइनस। अच्छा अब एक बात करते हैं, आप सोच रहे होगे कि सर एक कैसे अभी निकालोगे, अभी तो तुमने कुछ करा ही नहीं, अब की बार तुम्हारे पास इसके वैल्यू भी नहीं है, है ना। कोई बात नहीं, करते हैं अभी, हो जाएगा। नहीं अरे यहाँ पे कहोगे सर एक्स बराबर कॉस टी है तो कॉस पाई बाई फोर, कॉस 45 का मान 1/√2, और वाई बराबर साइन टी है तो साइन पाई बाई फोर, इसका भी 2√2 हो जाएगा। लो दोनों वैल्यू मिल गया, वाई माइनस वाई वन और इसके लिए -1 टेंजेंट के लिए होगा ना ये, और नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा -1 एक हो जाएगा प्लस का एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 1/√2 बराबर -x+1/√2 ये हो जाएगा एक्स, इधर ला दिया प्लस वाई बराबर, इधर जाएंगे भाई साहब तो जानते हो कितना हो जाएगा प्लस का 1/√2 यानी कि 2/√2 मतलब क्या 2 इधर ला दोगे तो एक्स प्लस वाई माइनस 2/√0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के होगा जानते हो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा +1 x - x1 ये हो जाएगा वाई माइनस 1/√2 बराबर x - 1/√2 इकट्ठे ये हो जाएगा x - y = 0। ये सब काम करने आपको क्लास 6-7 ईयर से आता हमको पता है, तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, कुछ है नहीं, सारे क्वेश्चन क्या हैं आसान से हैं, इसको मिटा के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको देखो जरा, लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 में वक्र y = x²-2x+7 की स्पर्श रेखा का समीकरण। पहले वक्र आप अपने मन में कंसीडर कर लो ऐसे कि कोई वक्र ऐसे है, ठीक है ना, और इसका इक्वेशन है वाई बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x+7, इसकी स्पर्श रेखा ऐसे है कोई, इसका बताना है आपको इक्वेशन, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभी सबका इक्वेशन बताने के लिए हमको एक चीज ये पता है y - y1 mx - x1 दो बिंदु मिल जाए, एक तो कोई बिंदु मिल जाए x1 y1 और m प्रवणता मिल जाए, बस कोई बात नहीं। अब दिया है कंडीशन कि पहला रेखा कोई रेखा ऐसे है इसके समांतर है यानी कि 2x - y+9, तो यानी कि हम इसकी ढाल निकाल सकते हैं, जो इसकी ढाल होगी यानी कि हम बोलेंगे कि मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, यहां तक तो आप एग्री करते हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा निकालना पड़ेगा। तो आप कहोगे चूंकि वाई बराबर x²-2x+7 तो dy/dx यही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है xy पर, कोई मतलब किसी बिंदु x1 y1 पर, 2x - 2 ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x - 2। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालोगे, तो चूंकि आपको पता है 2x - y = -9/0 तो हम कह सकते हैं y = 2x+9 कह सकते हैं ना, यम यही है तो इसका स्लोप कितना है 2, स्लोप तो यही होता है ना इसके लिए, तो यम 2 बराबर दोनों होंगे भाई, दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए जो भी होगा क्योंकि समांतर है, तो x बराबर हो जाएगा 4/2/2, x का मान तो हो गया ना, y का मान यहाँ पे निकाल लो एक बार फिर से, अब यहाँ पे रख के मत निकालना, इसका इक्वेशन बताना है ना, तो इसके लिए y चाहिए। अब वाई यहाँ पे क्यों रखते हो पता है ना, क्योंकि इसी बिंदु मतलब ये पॉइंट इनके लिए कॉमन है, दोनों के लिए सेम आएगा, तो इसीलिए इसी में रखते हैं हम लोग इसको। तो x बराबर 2 रखोगे, हम कहेंगे कर्व से वाई बराबर 2 × 4 - 4 + 7 यानी कि 7 यानी कि 2, 7 मिल गया, और इसका टेंजेंट भी मतलब इस टेंजेंट का हमको मिल गया स्लोप भी m का मान 2, तो समीकरण निकाल सकते हैं, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y - y1 = m x - x1।
तो ए हो जाएगा वाई माइनस सेवन बराबर टू एक्स माइनस फोर, ये हो जाएगा वाई माइनस टू एक्स, सबको इधर इधर पकड़ के लेते आओ, यानी कि वाई माइनस टू एक्स माइनस तीन बराबर जीरो आंसर। ओके आ गया ना, हो गया, बस लाइन से सारी बातें समझ से करोगे तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। हम चलते हैं इसके पंद्रहवें के बी वाले ऑप्शन पर, देखते हो क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। तो इसका बी वाला पढ़ो बढ़िया से, वक्र वाई बराबर फला की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इतना पर लंब है। तो पहले हम तो वही कहेंगे कि ड्रा कर लो, एक कोई कंसीडर कर लो कि ये मान लो वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन है और इसका स्पर्श रेखा आपका यही है, ठीक है ना, और ये दिया है इस पर लंब है, यार एक कोई मतलब कि इस पर लंब है। इसका इक्वेशन आपको दिया है पाँच वाई माइनस पंद्रह एक्स बराबर तेरह, यानी कि पाँच वाई बराबर ये हो जाएगा पंद्रह एक्स प्लस तेरह, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का रूप ला रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं ताकि एम मिल जाए, तो वाई बराबर ये आ जाएगा, अरे हो गया ये तीन एक्स हो जाएगा, नहीं पाँच तीन एक्स प्लस तेरह बटे पाँच, यानी कि एम बराबर मिल गया तीन, यानी कि हमको मिल गया स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन बराबर हो गया तीन। अब कि हम थोड़ी कह सकते हैं कि इसका स्लोप तीन इसका भी होगा तीन, नहीं ना, ये लंबवत है, लंबवत के लिए हमने पढ़ा है चूंकि यम वन इंटू यम टू बराबर माइनस एक, अगर यम वन मान लो स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन है, और यम टू मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये हो जाएगा यम वन का मान तीन तो यम टू बराबर माइनस एक बटे तीन, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गयो, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब टेंजेंट का स्लोप एक बार यहाँ से निकाल के इक्वेशन में रख दो, हम कहेंगे चूंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट प्रयास कर रहे हैं, वाई बराबर वक्र दिया है उसी पे स्लोप हुआ है, तो डी वाई अपान डी एक्स बरोबर ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू, ये दिया माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा आपका माइनस वन बराबर तीन दूनी छः एक्स माइनस छः, छः एक्स बराबर पाँच, एक्स बराबर पाँच बटे छः, इसलिए कर्व से फिर लिखो, कर्व से हम जा रहे हैं कर्व पर, अब वाई बराबर पाँच बटे छः यानी कि पच्चीस बटे छत्तीस माइनस पाँच दूनी दस बटे छः प्लस सात, बड़ी भयानक बड़ी भयानक बड़ी भयानक, नहीं चलिए कोई बात नहीं, छत्तीस आएगा लसा, ये आ जाएगा पच्चीस माइनस साठ प्लस छत्तीस गुड़े सात सात छक बयालीस, सात इक्कीस चार पच्चीस, आ जाएगा वाई बराबर दो सौ बावन और पच्चीस, दो सौ पचास दो सौ पचहत्तर दो सौ सतहत्तर, दो सौ सतहत्तर में साठ घटा दोगे दो सौ सत्ताईस बटे छत्तीस, हो गया ना, इसलिए हमको निकालना है क्या मतलब कि निकाल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, नहीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोई बात नहीं, वाई माइनस वाई वन बराबर ए एम का मान माइनस एक बटे तीन, एक्स माइनस एक्स वन का मान यहाँ से निकाल ले पाँच बटा छः, जानते हो कितना आएगा, मैं बताता हूँ परेशान ना होइयो, वाई माइनस दो सौ सत्ताईस बटे छत्तीस माइनस एक बटा तीन एक्स प्लस पाँच बटे अट्ठारह, यानी कि माइनस इधर आ जाएगा प्लस एक बटा तीन एक्स प्लस वाई बराबर पाँच बटे अट्ठारह प्लस दो सौ सत्ताईस बटा छत्तीस, बापरे चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा छत्तीस ये अट्ठारह दूनी दस प्लस दो सौ सत्ताईस एक्स प्लस तीन वाई बटे तीन, ये तीन बारह बारह एक्स प्लस छत्तीस वाई बराबर दो सौ सैंतीस, ठीक है ना। अच्छा एक काम मैं बताऊं क्या, ये घटनामा गलती कर रहे हो, नहीं ये दो सौ बावन प्लस दो सौ सत्तर शायद दो सत्तर आएगा यार, मुझे पता है गलत कर दिए ना, गलत कर दिए गलत कर दिए, चलो समय से रहते पहचान लिए भी।
आंसर, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले मतलब की क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहो, पढ़ते रहो, और फिर आगे क्वेश्चन आते हैं तो लगाते भी रहो। ऑल द बेस्ट।